हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेलिस किचन। आज मैं बनाऊंगी आम की अचार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी है, मार्केट में बहुत आम आ रहा है, तो अचार बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे मार्केट से आम काट के लाई हूँ। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद इसे सुखा लूंगी, क्योंकि मार्केट में ना बहुत गंदगी भी रहती है, धुला हुआ नहीं होता है, इसलिए मैं इसे पहले धो के अच्छे से धो के इसे इसका पानी सुखा लूंगी धूप में। इसके बीच वाला इसको भी इसका बीजा फेंक दूंगी। ये देखिए इसका बीजा है। आज मैं बनाऊंगी आम की अचार। मैंने आम को एक बार धो ली हूँ और इसे फिर से मैं अच्छे पानी में मैं इसे धो लूंगी। मार्केट से ही काट के लाई है, मैं इसे अच्छे से इसका बीजा फेंक दी हूँ, अच्छे से इसका मैं धो के इसे धूप में सुखा लूंगी। उसके बाद मैं इसमें नमक हल्दी मिलाऊंगी। इसमें पानी अगर रहेगा ना तो अचार खराब हो जाता है, इसीलिए इसे धोने के बाद अच्छे से इसे सुखा लेना है ताकि इसमें नमी ना रहे। अच्छे से फैला दूंगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। देखिए मैं कल धूप में दी थी वॉश करने के बाद, तो इसमें नमी भी सूख मतलब कम हो गया, अभी इसमें नमी नहीं है। अब मैं इसे इसमें उठा लूंगी और इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर लूंगी। नमक हल्दी मिक्स करने के बाद मैं इसे और एक धूप लगाऊंगी, आज दिन भर धूप में रख दूंगी। कल इसमें मसाला डालूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ये पूरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसे धूप में आज के दिन पूरा धूप में रखूंगी। अचार में नमी रहने से वो अचार जल्दी खराब हो जाता है। आज दिन भर का धूप नहीं चाहिए, आधा दिन से ही हो जाएगा। आधा दिन धूप में डालने से अच्छे से ये हो जाएगा। ये देखिए आम हो गया है, इससे ज्यादा मैं इसे नहीं सुखाऊंगी। अब मैं इसे इसमें उठा लूंगी पूरा गंजी में, के बाद मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। अचार के लिए मैं सबसे पहले मसाला रेडी कर लूंगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया ले ली हूँ, शोप ले ली हूँ, यहाँ पे कलौंजी है जी, और यहाँ पे राई है, काला वाला राई है। साथ में मैं कुछ पीली सरसों डाल दूंगी, यहाँ पे मेथी डाल दूंगी, मेथी दाना, और इसके साथ ही कुछ सूखी मिर्च भी इसमें मैं ड्राई रोस्ट कर दूंगी। मार्केट का जो मसाला है ना, उससे अच्छा अगर आप घर में बना के अचार में डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं इसे ज्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का ही ड्राई रोस्ट करूंगी ताकि इसमें जो हल्का सा नमी है वो चला जाए, और मसाला को मैं दरदरा पीसूंगी। मसाला भून चुका है, राई भी चटकने लगा है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी।
और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में मैं इसे अब मैं मसाला को इस प्लेट में निकाल लूंगी और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसका मिक्सी जार में पाउडर कर लूंगी। तब तक इसे ठंडा होने देती हूँ। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक मैं अचार के लिए तेल गरम कर लेती हूँ। मैं तेल को गरम करके उसके बाद उसे ठंडा करके डालूंगी अचार में। ठंडा हो गया है, अब मैं इसे पीस लूंगी। ये अचार का तेल रेडी है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तेल एकदम पक चुका है, गर्म हो गया है। मैं अभी गैस को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए अचार का मसाला एकदम पीस चुका है, एकदम दरदरा है, खुशबू बहुत ही सुंदर निकल रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए खुशबू तो बढ़िया आ रही है। मसाला में मैं यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च ली हूँ अच्छे कलर के लिए अचार में, और साथ में है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। मैं इन सबको इसके साथ मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आ गया है, एकदम लग रहा है ना मार्केट जैसा। मार्केट जैसा मसाला, अचार मसाला हम घर पर ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, और घर पर तैयार वाला एकदम फ्रेश होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, तो आप भी ऐसे इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। हमारा मसाला एकदम रेडी है। इधर हमारा तेल भी हल्का गर्म हो गया है, ये देखिए मैं उंगली डाल सकती हूँ ऐसे में। इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल दूंगी, और अभी ये जो आम है इसको पूरा डाल दूंगी। हींग डाली हूँ इसलिए ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आम थोड़ा खट्टा ज्यादा है इसलिए मैं नमक थोड़ा ज्यादा करके डाली हूँ, और नमक अचार में ज्यादा डालने से अचार बहुत लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। और साथ में मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और जो मसाला मैं बना के रेडी की हूँ इसका मैं आधा डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने जितना मसाला रेडी किया है मेरे दूसरे अचार पे भी हो जाएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी चम्मच के सहारे। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अचार बनाए उसमें मसाला जब भी आप मिक्स करें तो हाथों से प्लेस ना करें, क्योंकि हाथों से अगर आप करेंगे आपका नाखून अगर अचार में लगा तो अचार जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बनाए चम्मच के हेल्प से ही बनाए, और अचार को जिस मतलब डब्बा में रखेंगे वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट रहेगा तो आपके अचार लंबे टाइम तक एकदम अच्छा रहेगा। ये देखिए हमारा अचार देखिए एकदम रेडी है। इसका कलर देखिए ना, जस्ट इसका कलर देखिए बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे पेज में न्यू आए तो साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी सब तक पहुंच सके, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी के वीडियो लेके आ सकूं। देखिए अचार को रखने के लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा ली हूँ। देखिए मैंने इसे पहले से धो के अच्छे से सुखा के लिए, इसमें कोई पानी वानी नहीं है। आप चाहे तो कांच की बर्नी में भी रख सकते हैं, मैं तो इसमें रखूंगी।
मैंने इस डब्बा में डाल दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।